सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा आपने अभी स्टेटस देखा है, ऐसा स्टेटस मैंने एक बार पहले बनाया था, पर ये स्टेटस उसका कुछ एडवांस वर्जन है। तो इसी वीडियो में आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना। तो आप यार लाइक नहीं करते यार, अभी लाइक कर दो, मैं दो मिनट रुका हूँ, आप लाइक करो, जल्दी लाइक करो, करो 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 करो, लाइक करो। लाइक कर दिया नहीं किया अभी तक? चाहो लाइक कर दो यार, प्लीज़ लाइक कर दो, एक लाइक कर दे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह आपको पहले अलाइट मोशन डाउन करना है। इसके लिए कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काफी लोगों के पास होगा। तो सबसे पहले इसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको सिंपली इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक वीडियो लिंक दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेफ्ट साइड में आई का ऑप्शन दिखाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको बैक करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक XML फाइल मिल जाएगी, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। अगर आप XML फाइल डाउनलोड करना नहीं जानते हैं तो उसके ऊपर मैं वीडियो लिंक दे दूंगा, हाउ टू इम्पोर्ट XML फाइल, उसे जाकर पहले देख लेना, फिर बाद में आप उसे अलाइट मोशन में ऐड कर लेना। तो जैसे मैंने ऐड किया तो आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है। फिर आप देखेंगे कि आपको इसमें एक लिरिक्स दिख रही होगी, आपको लेफ्ट साइड में आए ऑप्शन दिखे होंगे, को उन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और इस पर क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है। फिर आपको बैक आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था आपको उसमें से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में ऐसा दिखाई देगा, फिर आपको नीला बैकग्राउंड दिखा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है, इसे लास्ट तक खींच लेना है और इसे एक एक बढ़ा देना है। फिर आपको वापस बैक आना है, अपनी जो लिरिक्स थी आपको पहले से सुनना है और जहाँ तक आपकी लिरिक्स हो उधर तक इन दोनों लिरिक्स को बढ़ा देना है। जैसे मैं कर देता हूँ, जैसे लिरिक्स तक इधर तक थी, फिट का ऑप्शन दिखा होगा, इस पर क्लिक करना है और राइट साइड में आपको पहला ऑप्शन क्लिक कर देना है। आपको ऐसा ही दोनों के साथ करना है, जैसे कि मैंने बढ़ा दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पर क्लिक करना है, नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन दिखा होगा, उस पर क्लिक और आपको इनमें लिरिक्स ऐड करनी है। सबसे पहले आपको मैं फॉन्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको स्टोरिया इमोजी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, व्यू ऑल फॉन्ट्स पे क्लिक करना है, थर्ड व्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे इंपोर्ट फॉन्ट का ऑप्शन दिखा जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में आप अपना फॉन्ट इंपोर्ट कर लेंगे। फिर आपको बैक करना है, इसमें अपनी पहले लिस्ट को टाइप करना है, आपको बैक आना है। फिर जो आपके लिस्ट का एंड है आपको उधर आना है और इन दोनों लिस्टों को ऐसे कॉपी कर लेना है, इसके आगे जाके उस पर क्लिक करके इसे पेस्ट कर देना है। फिर आपको दोबारा लेयर्स पे क्लिक करना है और इसमें एडिट पे क्लिक करना है, इसमें सेकंड लेयर्स को टैप करना है। फिर आपको बैक आना है, फिर आपको जो ऊपर जो आपका इमोजी था आपको उस पर क्लिक करना है और आपको दोबारा एडिट पे क्लिक करना है और इसमें आप अपना कोई भी इमोजी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं ये ऐड कर लेता हूँ। ऐसा करने के बाद में फिर आपको फिर से बैक आना है, आपने जो लेयर्स ऐड की है अपने सॉन्ग के हिसाब से इसे घटा बढ़ा लेना है, जैसे मैं कर लेता हूँ, इसे भी आगे ऐसे पेस्ट कर देना है। बैक आना है, फिर आपको दोबारा इमोजी पे क्लिक करना है और इसमें अपने दूसरी इमोजी को ऐड कर लेना है। लेस पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है, फिर से थर्ड लेस को टाइप करना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो आपको ऐसे ही एंड तक करते जाना, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो तो मैं जल्दी जल्दी आगे कर लेता हूँ। जब आपका ये हो जाए तो अब आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है, फिर आपको उसे इसमें ऐड कर लेना है। उसे इसमें ऐड करने के बाद में आपको वीडियो पे क्लिक करना है, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा लाइट में, उस पर क्लिक करना है। आपको लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको लेफ्ट साइड में नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको लाइट में ऊपर से तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो बढ़ा देना है। ऐसा करने से हमारी जो वीडियो थी वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। बैक करना है, अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। आपको अपना कैनमास्टर ओपन करना है। तो अब आपको अपना कैनमास्टर ओपन करना है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में वर्जन दिया है, उसे डाउनलोड करना। कैनमास्टर में कुछ नए फीचर्स भी हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है, 960 उसको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर लेना है और वाइट कलर चूज कर लेना है। उसके बाद में आपको दोबारा लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और आपको ब्लैक कलर इसमें चूज करना है। उसको ब्लैक कलर चूज करने के बाद में आपको उसे थोड़ा सा बड़ा कर देना है और उसे ऊपर लेफ्ट साइड में ले जाकर सेट कर देना है। आपको लेफ्ट में थर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, थर्ड का आपको उस पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट कर लेना और उसे राइट साइड में नीचे ले आना है। फिर आपको इसे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है और आपको इसमें ब्लर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उसे ऐड थोड़ा बड़ा कर देना है और सेटिंग में जाकर इसे थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर आपको बैक डिस्क्रिप्शन में
टेम्पलेट के नाम से एक वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में आपको उसे पहले इसमें ऐड करना है। जब आप उसे इसमें ऐड करेंगे तो ये वैसे शो नहीं करेगा, ऊपर स्लाइड करना है। आपको ट्रांसकोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में काइनमास्टर का लिंक दिया है उसी में दिखेगा, आपका पुराने काइनमास्टर में नहीं दिखेगा। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, मैं आपको जो चीज बताना भूल गया कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसे ही हाउ टू मेक वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो को ऊपर जो लेफ्ट साइड में जो हमने ब्लैक ऐड किया था उसके ऊपर ले जाना है, ऊपर स्लाइड करना है, क्रॉपिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है और इसे थोड़ा सा क्रॉप कर देना है। ऐसे क्रॉप करने के बाद में आपको थर्ड पे क्लिक करना है, फिर इसका डुप्लीकेट करके नीचे वाले जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा मैं ऐड कर देना। फिर आपको क्या करना है, आपको मैं एक हैक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इससे आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इसे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वीडियो पे क्लिक करना है, स्लाइड करना है, आपको नीचे एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। कॉन्ट्रास्ट दिख रहा होगा सेकंड नंबर पे, उसे पूरा फुल कर देना है। फिर आपको पूरा ऊपर कर देना है, आपको नीचे ह्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ऐसे मैं भी पीछे कर लेता हूँ, मुझे ये कलर चाहिए। आपको दूसरे में भी ऐसा ही सेम करना है। फिर आपको जो व्हाइट वाला कलर है उसे अपने वीडियो के एंड तक ले आना है। फिर आपने भी जितने भी इसमें ब्लैक एंड होता है उधर तक इसे इन सबको बढ़ा देना है। मैं वीडियो सेव करने के लिए इसे बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने पहले दो वीडियो ऐड कर लिया है, मैं तीसरी वीडियो इसमें ऐड करता हूँ तो वो ऐड नहीं हो पाए। तो अगर आपको यकीन हो तो आप करके देख लेना। ऐसा करने के बाद फिर आपको वीडियो को सेव कर लेना है, आपको बैक आना है, आपको जो व्हाइट कलर था छोड़ के बाकी सभी को डिलीट कर देना है। फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है और जो वीडियो हमने लाइट मोशन से एक्सपोर्ट की थी आपको उसे ऐड करना है। ऐड करने के बाद में आपको ऊपर स्लाइड करना है, आपको नीचे एक्स्ट्रा ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है, वीडियो को डिलीट कर देना है। वीडियो डिलीट करने के बाद में फिर उस वाइट कलर को जो आपका सॉन्ग का एंड है उधर तक ले जाना है। उधर ले आने के बाद में फिर आपने जो अभी वीडियो एक्सपोर्ट की थी आपको उसे इसमें ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद में आपको उस पर क्लिक करना है, लास्ट में चले आना है, आपको ऊपर थर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना है। जो वीडियो का एंड है आपको उसके आगे इस वीडियो को ले आना है। फिर आपको दूसरे वीडियो पर क्लिक करना है, फिर उसके आपको एंड तक ले आना है। फिर आपको दोबारा इसे डुप्लीकेट करके आपको इस वीडियो के लास्ट में ले आना है। सेकंड के बाद में आपको जो एक्स्ट्रा वीडियो बचता है आपको उसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद में फिर आपको सिंपली इसे सेव कर लेना है। आप चाहे तो सॉन्ग को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करने के बाद में आप इसे एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट करने के बाद में फिर आपको बैक आना है, इन्हें डिलीट कर देना है। फिर आपको लेयर मीडिया पर क्लिक करके आपको अपना वही वीडियो इसमें ऐड कर लेना है। वो वीडियो ऐड करने के बाद में फिर आपको दोबारा लेयर मीडिया पे क्लिक करना है। फिर जो हमने अलाइट मोशन से वीडियो डाउन किया था आपको उसे इसमें ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद में फिर आपको उसे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इसे अगर आपका फ्रेम दिख रहा होगा आपको उसके हिसाब से इसे सेट कर लेना है। फिर आपको दोबारा उस वीडियो पर क्लिक करना है। फिर आपको ऊपर स्लाइड करना है, ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करके स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको लेयर पर क्लिक करना है, मिरर पर क्लिक करना है। इसमें अपनी कोई भी फोटो को ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं अभी इसमें ये फोटो ऐड कर लेता हूँ। फोटो ऐड करने के बाद में आपको इसे फ्रेम के हिसाब से सेट कर लेना है। फ्रेम सेट करने के बाद में फिर आपको दोबारा ऊपर स्लाइड करना है, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद में कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। फिर आपको लेयर पर क्लिक करना है, फिर आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको इसमें आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं अभी ये ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद में आपको ओके कर देना है। आप ऊपर फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, अगर आपके में ये फॉन्ट है तो ठीक है, ना जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डस्टोरिया और उस फॉन्ट की लिंक दी थी तो उसे इसमें ऐड करना है। आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर देना है। आपको ऊपर सर्च बार में सर्च कर लेना है डस्टोरिया, आपका वो फॉन्ट आ जाएगा, आपको उसमें सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको उसे इसमें ऐड कर लेना है, इस फॉन्ट को इसमें ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद में आपको उसे थोड़ा बड़ा कर देना। फिर आपको दोबारा टेक्स्ट पे क्लिक करना है, कोई भी सेंटेंस टाइप कर लेना है, जैसे मैं जी टाइप कर लेता हूँ। फिर आपको ओके कर देना है, फिर आपको ओके कर देना है। फिर आपको दोबारा फॉन्ट पे क्लिक करना है, फिर मैंने जो आप लिंक दी थी आपको उसे वैसे ही ऐड कर लेना है। फिर आपको इसमें ऐसे ऐड कर लेना है। ऐसा करने के बाद में आपको इसे उसके ऊपर सेट कर देना है, वो सिंपली इसे सेव कर लेना है। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में आपको उसे कुछ इस तरह से साइड में ऐड कर देना है। ऐसा करने के बाद आपको इसे थोड़ा सा क्रॉप कर देना है। लेयर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसमें आपको फिल द म्यूजिक टाइप कर लेना है। फिल द म्यूजिक टाइप करना है, फिर आपको इसे ओके कर देना है। फिर आपको दोबारा माय फोन में जाना है और इसमें अपना कोई भी फोन ऐड कर लेना है। फिर आपको बैक आना है, फिर इसे उसी जो हमने अभी वीडियो ऐड किया था आपको उसके ऊपर इसे सेट कर देना है। तो ऐसा करने के बाद में हमारा स्टूडियो बन जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप डोरेमोन का वीडियो देखना चाहते हैं, ऊपर दो वीडियो दिख रही होंगी, आप उन क्लिक कर देना।